नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस हल्दी का गुण ये देख रहे हैं, ये देहाती हल्दी है, बाज़ार से खरीद करके लाया गया है, इसको सुखा दिया गया है। इसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। बाज़ार से जो हल्दी हम लोग लाते हैं उसमें कीड़ा कभी कभी पकड़ लेता है, 2 साल का है कि 3 साल का है, उसमें बहुत नुकसान होता है और उसमें का कीड़ा जो है हमारे मसाले में पिसी जाती है और पिसने के कारण तरह तरह की बीमारी हो जाती है। तो आपको हल्दी अगर बाज़ार नज़दीक है तो वहाँ से लाइए कच्चा हल्दी और उसको 1 रुपया महंग पड़े या सस्ता पड़े उसको सुखा दीजिए और रख दीजिए, और उसी को इतना सा डालेंगे तो उससे ज़्यादा पीलापन हो जाएगा। और देखिए इसको हल्दी में खाने से क्या फ़ायदा मिलती है। देखिए इसको, देखिए पीला कलर का है अंदर, देख रहे हैं कितना मस्त है। इसको अगर आप क्या करते हैं कि खिचड़ी में डाल करके खाते हैं तो आपकी गांठ गांठ की दर्द ठीक हो जाएगा। और हल्दी खाने से ये फायदा होती है कि गठिया की बीमारी नहीं होती है पैर में यानी घुटने में, और कटकटाहट की आवाज़ जिन लोगों को हो जाती है उनको भी नहीं होती है। जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम होती है उनको हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा चावल डाल दीजिए और उसमें एक आलू डाल दीजिए और काट कट के खिचड़ी जैसा बना लीजिए, उसको खाएंगे आप लोगों को तो गांठ गांठ की दर्द, पेट की दर्द, ये सब समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। हल्दी में इतना गुण पाया जाता है। और किसी प्रकार से चोट मोट है तो आपको 1 गिलास दूध लेना है, 1 हल्दी पीस लेना है। थोड़ा पीने में तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन उसको उबाल दीजिए पूरा भैंस के दूध में और पीजिएगा तो गांठ गांठ के दर्द जो है वो तुरंत ठीक हो जाता है इस हल्दी में, और शुभ काम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप लोग एक बिस्तर के नीचे लगा करके सो जाते हैं तो कभी आप लोग के घर में बरकत ही होगी, कभी अशुभ सपना नहीं सोचेंगे, इसमें इतना गुण पाया जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, माता दुर्गा जी की कृपा से हरदम हर वक्त आप लोग बने रहें।